जैसे कि आपने देखा होगा कि बेसिन के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी बेसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो होता है वॉल हैंग बेसिन पर आजकल जमाना बदल चुका है लोगों को थोड़ा सा स्टाइलिश ऑप्शन जो है अपने बेसिन के लिए चाहिए वैसे तो बेसिन के बहुत सारे प्रकार है जैसे कि फुल पेडेस्टियल बेसिन सेमी पेडेस्टियल बेसिन वॉल हैंग बेसिन काउंटर टॉप बेसिन अंडर काउंटर बेसिन वॉश स्टैंड बेसिन कॉर्नर बेसिन और भी बहुत सारे टाइप जो है वो बेसिन में आते हैं पर आजकल जो दो बेसिन बहुत ही ट्रेंडिंग में है उनमें से पहला है टेबल टॉप वॉश बेसिन और दूसरा है अंडर काउंटर वॉश बेसिन तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों में से आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा होगा इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए तो जाहिर सी बात है पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है लुक यानी कि एस्थेटिक्स तो यहाँ पर जो पॉइंट जाता है वो जाता है टेबल टॉप वॉश बेसिन के तरफ क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रकार के डिजाइन अवेलेबल होते हैं और वाकई में ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर तरह तरह की डिजाइन जो है आपको टेबल टॉप वॉश बेसिन में मिल जाती है अब दूसरी तरफ अगर हम अंडर काउंटर वॉश बेसिन की बात करते हैं तो इसके आसपास का एरिया जो है वो काउंटर से ढका हुआ होता है तो जिस तरह से हमने देखा कि टेबल टॉप वॉश बेसिन में साइड में भी डिजाइन अवेलेबल होते हैं वैसा आपके अंडर काउंटर वॉश बेसिन के साथ नहीं होता है इसका सिर्फ अंदरूनी भाग ही आपको ऊपर से दिखाई देता है तो इस वजह से इसमें ज्यादा डिजाइन का स्कोप नहीं होता है और जो कलर भी होता है वो खास करके व्हाइट कलर ही इस्तेमाल किया जाता है और रही बात टेबल टॉप वॉश बेसिन की तो वहां पर अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग डिजाइन के साथ पर अंडर काउंटर वॉश बेसिन की भी एक खासियत है जैसे कि इसका लुक जो है वो एकदम मिनिमलिस्टिक होता है इस वजह से एक नीट और क्लीन लुक आपको मिल पाता है अब अगला पॉइंट आ जाता है क्लीनिंग तो जो टेबल टॉप वॉश बेसिन होते हैं वो टेबल के ऊपर माउंट किए जाते हैं तो जहां पर ये वॉश बेसिन काउंटर से कनेक्ट होते हैं हमेशा वहां पर धूल या फिर दाग धब्बे जमा होते हैं इसका कारण ये होता है कि वहां पर एरिया जो है वो कम होता है और ऊपर के तरफ ये बेसिन जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं इस वजह से नीचे के तरफ हमेशा आपको दाग धब्बे दिखाई देते हैं और कभी कभी आगे से आप क्लीन कर लेते हो पर पीछे के साइड में दाग धब्बे वैसे ही छूट जाते हैं वैसा आपके अंडर काउंटर वॉश बेसिन के साथ नहीं होता है ऊपर के तरफ से ही आपको ये दिखाई देते हैं तो इस वजह से टेबल टॉप वॉश बेसिन जैसे साइड में दाग धब्बे छूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि साइड में काउंटर होता है इस वजह से क्लीनिंग करना बहुत ही आसान होता है तो ये पॉइंट जाता है अंडर काउंटर वॉश बेसिन के तरफ अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है इंस्टॉलेशन तो टेबल टॉप वॉश बेसिन का इंस्टॉलेशन करना बहुत ही आसान होता है यहाँ पर आपको वॉश बेसिन को टेबल टॉप के ऊपर रख देना है और जहां पर आपका वॉश बेसिन का वेस्ट वाटर आउटलेट एरिया होता है वहां पर मार्किंग करने के बाद आपको कट आउट कर लेना है और उसके बाद आप जो है आराम के साथ टेबल टॉप वॉश बेसिन को फिट कर सकते हो और अगर हम अंडर काउंटर वॉश बेसिन के इंस्टॉलेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पहले तो आपको काउंटर में कट आउट बनाना पड़ता है आपके बेसिन और आपके टैप के हिसाब से और उसके बाद सिलिकॉन सीलेंट मेटल क्लिप और ब्रैकेट की मदद से इसे फिट किया जाता है तो इसी वजह से अंडर काउंटर वॉश बेसिन का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो डिफिकल्ट होता है और जरा सोचिए अंडर काउंटर वॉश बेसिन को अगर आपको रिपेयर करवाना है या फिर बदलवाना भी है ऐसे वक्त में आपको पूरा काउंटर जो है उसे निकालना पड़ सकता है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इसी वजह से जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन होते हैं उनका रिपेयर और मेंटेनेंस चार्ज जो है वो ज्यादा होता है और जहां तक बात आती है टेबल टॉप वॉश बेसिन की तो वहां पर चीजें एकदम आसान है यहाँ पर अगर आपका टेबल टॉप वॉश बेसिन खराब भी हो जाता है तो आप आराम के साथ उसे बदलवा सकते हो और वापस से रिपेयर करके लगवा सकते हो यहाँ पर आपको काउंटर को निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है इसी वजह से जो रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट है है वो टेबल टॉप वॉश बेसिन में कम होता है। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों वॉश बेसिन में से कम जगह कौन लेता है तो यहाँ पर जो टेबल टॉप वॉश बेसिन है वो थोड़ी सी कम जगह लेता है और जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन होता है उसके लिए आपको जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है अब यहाँ पर स्पेस का जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है और जहां तक बात आती है इन वॉश बेसिन की हाइट की तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही वॉश बेसिन का जो टॉप है उसकी हाइट बत्तीस इंच तक रखनी चाहिए जो कि एक कंफर्टेबल हाइट होती है वॉश बेसिन का इस्तेमाल करने के लिए अब बेसिन का सिलेक्शन करते समय जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है कॉस्ट तो जो टेबल टॉप वॉश बेसिन होते हैं और अंडर काउंटर वॉश बेसिन होते हैं इन दोनों में जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन होते हैं उनका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है और दूसरी चीज जिस वजह से आपको अंडर काउंटर वॉश बेसिन का ओवरऑल कॉस्ट कम आता है उसका दूसरा कारण यह होता है कि नॉर्मल साइज के जो फॉसेट है उनका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो अच्छे क्वालिटी के जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन होते हैं वो आपको दो से लेके बारह हजार के रेंज तक मिल सकते हैं दूसरी तरफ जो टेबल टॉप वॉश बेसिन होते हैं उनमें आपको तरह तरह के डिजाइन पैटर्न जो है वो अवेलेबल होते हैं और इनका कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है अच्छे क्वालिटी के टेबल टॉप वॉश बेसिन आपको 3000 से आगे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और रेंज जो है वो आगे आगे बढ़ सकती है जैसे कि पाँच हज़ार दस हज़ार पंद्रह हज़ार यहाँ तक कि बीस हज़ार तक आपको टेबल टॉप वॉश बेसिन मिल जाते हैं और जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो टेबल टॉप वॉश बेसिन की बढ़ने के पीछे कारण ये भी होता है कि यहाँ पर आपको का करना पड़ता है, है।, तो है वो बढ़ जाता है अब आखिरी सवाल यह आ जाता है की इन दोनों में से आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा होगा तो ये चीज डिपेंड करती है आपके जरूरत के ऊपर अगर आप पब्लिक प्लेस में लगवाना चाहते हो जैसे की स्कूल बिल्डिंग कॉलेज मॉल हॉस्पिटल ऐसी जगह पर आपके लिए

टेबल टॉप वॉश बेसिन एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है पहली चीज इसका लुक अच्छा होता है इजी टू इंस्टॉल होता है रिपेयर और मेंटेनेंस में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और भले ही इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है पर घर में आप एक या फिर ज्यादा से ज्यादा दो वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हो तो इसीलिए अगर आप अपने घर के अंदर वॉश बेसिन लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर टेबल टॉप वॉश बेसिन जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आ जाता है तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट वॉश बेसिन कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है